हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है सर्किल। सर्किल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है सर्किल और उसमें अलग अलग कैटेगरी जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किल की बात करते हैं। वैसे नॉर्मली कॉमनली अगर छोटी क्लास के बच्चों से पूछा जाता है तो क्या बोलते सर्किल बोलते हैं कि भाई कि जो गोल होता है वो सर्किल होता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसे कहते हैं कि जैसे ना सन है, जो सन हमें नज़र आता है या मून हमें जो नज़र आता है वो सर्किल है। कोई भी राउंड शेप होती है उसको हम सर्किल बोल देते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में बिल्कुल भी सही नहीं है। लैंग्वेज के तौर पे अगर हम देखें, जैसे सबसे पहले कुछ फिक्स जो चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक कंप्लीट आर्क वो होता है सर्किल। और उसको लैंग्वेज में अगर बोले, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जैसे ये सारे पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में है 2D शेप में, इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जो है कॉन्स्टेंट होनी चाहिए फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंटर। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बारे में, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पॉइंट नज़र आती है सेंटर पे, तो ये इसका सर्किल का सेंटर है। तो सर्किल का सेंटर वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसको हम O से रिप्रेजेंट बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0.0 होते हैं, ठीक है। इसको सर्किल का सेंटर बोलते हैं। सर्किल के सेंटर पे जो इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं 0.0 लेके चलते हैं, ठीक है। और फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए सर्किल का सेंटर क्या है, ये रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो ये फिक्स पॉइंट बोलते हैं इसको। फिक्स पॉइंट जो है ये, इसी को हम सेंटर बोलते हैं। रेडियस क्या है, जो ये फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, या लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जो होता है एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल के दोनों छोर को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दोनों पॉइंट्स को टच करता हो दोनों साइड से, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर। आर्क क्या होता है, आर्क एक्चुअल में क्या है कि एक कंटिन्यूस पाथ है, कंटिन्यूस पाथ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्किल, इसको हम कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्किल बोल सकते हैं, कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्किल बोल सकते हैं। सर्किल के जो पाथ है उसका कंटिन्यूस पीस जो होता है उसको हम बोलते हैं, और कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क, ये आर्क होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसके फॉर्मूला में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, या सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज होता है, या तो ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा सर्कमफ्रेंस के लिए। तो बच्चों ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम इसका जो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे सेगमेंट हुए, सेक्टर हुए, टेंजेंट हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको आप अच्छे से देखिए, हम क्लियर करते हैं आगे। हाँ तो बच्चों देखिए, आपके सामने जैसे डायग्राम आप देख सकते हो, हम सेगमेंट को डिस्कस कर रहे थे, सेगमेंट और सेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर टेंजेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट इन द सेंस जो कॉर्ड के थ्रू डिवीजन होता है सर्किल के अंदर, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ है इसका पार्ट्स, तो ये जो बड़ा पार्ट है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और जो
छोटे वाला पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपके माइनर है, ये माइनर सेगमेंट है, और जो बड़ा पार्ट है इसको मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ये मेजर और माइनर पार्ट हो जाता है। तो मेजर पार्ट आपको पता चल ही गया कि मेजर है और ये माइनर है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये मेजर और माइनर पार्ट को आप क्लियर कर सकते हो कि मेजर कौन सा पार्ट है और माइनर कौन सा पार्ट है। तो ये दो पार्ट आप इससे पता लगा सकते हो। इसी तरह से बच्चों आपके सेगमेंट है, इसी तरह से हम सेक्टर ले सकते हैं। सेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे सेक्टर, तो आप सेक्टर को भी समझ लो। सेक्टर को कैसे करेंगे, सेक्टर को भी अच्छे से क्लियर कर लो। सेक्टर को कैसे करेंगे वो भी ध्यान से समझ लो। हाँ तो बच्चों इसमें देखिए सेगमेंट बता दिया था मैंने। सेक्टर के अंदर क्या होता है कि डिवीजन जो होता है, उस वाले में तो क्या होता है कॉर्ड से डिवीजन होता था, इसमें क्या होगा दो रेडियस से डिवीजन होता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो जो छोटा वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा, और ये बड़ा वाला पार्ट है ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कर सकते हो। इसके बाद में एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। एक सर्किल में आपको टोटल ओवरऑल कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है उसको समझ लो। ये सर्किल का सेंटर, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको भी आप क्लियरली समझ लो। इसके अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से समझ सकते हो जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप। हाँ तो बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे एक सर्किल है इसमें आप कुछ डायग्राम देख रहे हो, जैसे कुछ पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, फिर टेंजेंट ऑफ सर्किल की बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है और टेंजेंट कौन सा है और इसका टेंजेंट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले अलग तीनों पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट है ये, टेंजेंट एक्चुअली में क्या होता है, टेंजेंट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, यानी टच करती हुई, जो सर्कल को टच करती हुई जो लाइन, द लाइन विच टच और इंटरसेक्ट, टच करता है द लाइन विच टच टू द सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये लाइन जो है टेंजेंट कहलाएगी। तो ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। ये एल लाइन जो है ये इसका क्या है, टेंजेंट है। सेकेंड और टेंजेंट में क्या फर्क है वो देखो। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्किल को, जो इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन जो है ये एम, ये जो लाइन है एम, ये इसका क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा, सेकेंड। तो दोनों में फर्क क्या है, ये इसको टच करती हुई जाती है, इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, ये दोनों में फर्क होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्किल पे हो, तो दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों टच करते हैं, कॉमन पॉइंट होता है। तो ये कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट होता है सर्किल पे, तो ये आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। और जो टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, जो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाती है उसको सेकेंड बोलते हैं, और जो इसके अंदर होता है ये लाइन सेगमेंट है, इन लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। वो आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। एक थ्योरम जो है हम आगे प्रूव करेंगे, लेकिन मैं उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, आर परपेंडिकुलर होता है हमेशा टी के। ये पहली थ्योरम है जो हम प्रूव करेंगे।
आर परपेंडिकुलर टू बी, ये आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा ये कि शॉर्टेड डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो भी हम इसी के अंदर पार्ट लेके चलेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी जो थ्योरम का पार्ट हम पढ़ेंगे कि द लेंथ ऑफ, अगर हम ये पार्ट्स लेके चलते हैं, इसको मैं थ्योरम में प्रूव करूँगा अलग ही, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एनी एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन मेजर। तो बच्चों ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस थ्योरम्स का हम सीधा यूज भी करेंगे और ये प्रूव करना भी पूछी जाती है। मैं प्रूव करना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक अच्छे से आना चाहिए सारे बच्चों। आई होप आप लोगों को जितना कराया अच्छे से समझ में आ चुका है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप ये बेसिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाय बच्चों।